आई होप कि सब खैरियत से होंगे, मेरी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। क्योंकि जी इस्लामाबाद में मैं हूँ कैसल मस्जिद पे, और कैसल मस्जिद से पहले वहाँ पे जाने से पहले मैंने सोचा कि ना ये जनरल ज़ियाउल हक़ का जो हमारे जो जनरल थे जो शहीद हुए थे बाबरपुर में जिनका ब्लास्ट हो गया था, जो शहीद थे हमारे जनरल ज़ियाउल हक़ साहब, ये उनका मकबरा है। तो मैंने तो शूज़ पहने से मैं अंदर जा नहीं पा रही हूँ, तो मैं कहा थोड़ा सा बाहर से मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ और कुछ चीज़ें मैं शेयर कर देती हूँ। क्योंकि आपको पता है जैसे हमारे अभी जैसे हमारे ये हैं बाजवा, इसी तरह हमारे जनरल ज़ियाउल हक़ थे 1982 में आई थिंक इनका जो भावलपुर में ये जो ब्लास्ट हो गया था, इनका जो जहाज़ था वो ब्लास्ट हो गया उसमें ये शहीद हो गए थे। तो उनका मकबरा यहाँ बनाया हुआ है कसर मस्जिद के बिल्कुल सामने, कसर मस्जिद के अंदर ही इनका मकबरा बनाया हुआ है। ये इनका मकबरा मैं आपको पूरा आगे दिखा देती हूँ। और बहुत मारे हमारे माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान के जवान थे, शहीद हैं हमारे ये। तो ये इनका मकबरा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फैसल मस्जिद। और इस वक्त गर्मी इतनी है, अभी आई थिंक टाइम हो रहा होगा 2 से 2:30 का टाइम है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी जगहों पे विज़िट करना था, घूमना था, तो इसलिए मैंने हम लोग इतनी गर्मी में निकल आए हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगह हम लोगों ने घूमना है। तो काफ़ी फैसल मस्जिद मैंने कहा फर्स्ट टाइम देखी है, मैं रही इस्लामाबाद में काफ़ी टाइम हूँ लेकिन मैं फैसल मस्जिद में कभी नहीं आई नहीं। तो मैंने कहा मैं इस बार फैसल मस्जिद भी घूमूंगी। तो ये देखेंगे कितनी खूबसूरत मस्जिद है। मुझे इसके जब मैंने अक्सर इसकी वीडियो में तस्वीरों में देखा है ना, तो चार कॉर्नर जो खड़े होते हैं मस्जिद के, तो मुझे इतने खूबसूरत लगते हैं ना। और ये पहाड़ियों के बीचों बीच जो बनी हुई है ना, और इतनी बड़ी मस्जिद बनी हुई है, इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत। अल्लाह के घर तो सारे खूबसूरत होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, अल्लाह के सारे घर बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन होते हैं, लेकिन कसर मस्जिद वाकई बहुत हसीन और खूबसूरत है। और देखिए इसके चारों तरफ ये देखें किस तरह से इसको डेकोरेट किया गया है ना, इस मस्जिद को चारों तरफ एक ऐसे कुदरती इस पर पहाड़ है, सारे माउंटेन वगैरह हैं। उसके बाद देखिए कितनी खूबसूरती इनके बहुत बहुत अच्छे से डेकोरेट किए इनके जो ये ट्री ये प्लांट जो लगाए हुए बहुत अच्छे और खूबसूरत लगते हैं। इसको और चार चांद लगा देते हैं। देखिए फैमिली हमारी यहाँ जा रही है, पूरा व्यू दिखा देती हूँ मैं इसका आगे आकर आपको करीब से दिखा रही हूँ। अभी इतनी दोपहर हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, फिर भी आमदोरफ्त इतनी है इधर। देखिए माशाल्लाह से जो बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं मस्जिद को। ओके यहाँ पर सबने उतार दिए शूज़, देखें मैंने भी उतार दिए और शूज़ हम लोग रखवा रहे हैं यहाँ पर। ये देखें हम सबके शूज़ यहाँ रख दिए गए और पाँचवीं जोड़ी है ना भाई, पाँचवीं जोड़ी रखेंगे, जब घूम फिर के आएंगे तो हम दोबारा इसको पहन लेंगे। ये देखें हम सब ने देखें शूज़ उतारवा दिए, शूज़ उतार ली। ये देखें दोहा इधर आइए, अब हम घूमेंगे। ये स्विमिंग पूल खाली क्या है, स्विमिंग पूल ये पानी ही नहीं है, पानी नहीं है इसमें, देखो जमीन में पानी है, ये खाली क्या हुआ है, अभी ऊपर भी जाते हैं हम लोग, उधर देखते हैं उधर क्या क्या है। ये मेरी बहन को लग रही प्यास गर्मी में, और ये पी रही है ठंडा ठंडा पानी मुंह में कुल्ला भर के, इनको भी लग रही प्यास, ये भाप के पानी पकड़ने के लिए आ रही है नंगे पैर। ये रहे ये भी नंगे पैर हैं, ये भी नंगे पैर हैं, इन्होंने सॉक्स पहने हैं ब्राउन कलर के। ओके जनाब हम लोग सब में हम जाएंगे उस तरफ ऊपर, मैं आपको दिखाई हम जाएंगे वहाँ पर, वहाँ पर थोड़ा सा घूम फिरते देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि मैं कभी गई नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। जो हाँ आ जाइए ऊपर चल रहे ऊपर जाके देखते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो जब इंसान घूमने निकलता है तो ये हर चीज़ देखनी चाहिए, जो हमारे पाकिस्तान में मशहूर चीज़ें हैं ना वो देखनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह पे एक अलग ही खूबसूरती बयान कर रही होती है। ये देखें यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है बराए मेहरबानी जूते यहाँ उतारें, बड़ा बड़ा उन्होंने हर जगह लिख के लगाया हुआ है बराए मेहरबानी जूते यहाँ उतारें। यहाँ से थोड़ा ठंडा है, यहाँ पर हम लोग अब आ गए चल रहे हैं, हम लोग वॉक कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा ठंडा है शुक्र है, और जगह भी बहुत ठंडी है, कितनी प्यारी लग रही है अंदर से। माशाल्लाह सुभान अल्लाह ऊपर इन्होंने इस तरह की थोड़ा सीलिंग की हुई है। देखें ये अच्छा ये भी पूल है, ये भी खाली क्या हुआ है, यहाँ आ जाइए सोहा, यहाँ भी लिखा है गुजारिश तालाब में कागज़ वगैरह फेंकना और पानी में उतरना ममनू है, उन्होंने बड़ा बड़ा खुले खुले पास में लिखा हुआ है। बेटा नहीं उन्होंने मना किया हुआ है कि उतरना नहीं है, वरना वो पकड़ के ले जाएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ नहीं पकड़ के ले जाएंगे वो ना। देखा उधर लेडीज़ खड़ी हुई है, हम लोग भी वहाँ जाएंगे भी थोड़े टॉप पर। सोहा आ जाए हम जा रहे हैं,
ये देखिए जहाँ वो टॉप पे खड़ी हुई वहाँ से हम लोग भी जाएंगे थोड़ा सा। बहुत मज़ा आ रहा है, मेरी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है कि मैंने हर जगह घूम लिए, कोई ऐसी जगह नहीं जब जो मैंने छोड़ दिए। जहाँ हम लोगों ने इतना लंबा टूर किया है ना, ट्रिप हमने मारा है, तो हम लोगों ने हर चीज़ घूमी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मिस किया हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ी बहुत जो चीज़ें बची हुई हैं वो भी विज़िट करेंगे और आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बस आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरी वीडियो बने रहना है, आगे की और आपको दिखाती हूँ कि अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग वज़ू बना रहे हैं, देखें हम लोग ये जा रही है हमारी फैमिली, कितना खूबसूरती से लिखा हुआ है, देखा माशा, कितनी बड़ी मस्जिद है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये हम लोग जा रहे हैं अंदर, ये बहुत ठंडा है, इधर ना कोई पंखा भी नहीं है देखें, लेकिन फिर भी इतना ठंडा है माशाल्लाह से। और आज वेदर इतना गर्म है ना इस्लामाबाद का, लेकिन मस्जिद इतनी ठंडी हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें ये हम जा रहे हैं अंदर, ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये बेबी किसी की बैठी हुई है अकेली, तो हमारे बच्चे देखिए वो जा रहे हैं आगे भाग भाग कर, काफ़ी लोग उतर भी रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए ऊपर से लोग आ रहे हैं, माशाल्लाह से ऊपर आ गए हम लोग। ये नमाज वगैरह पढ़ने की जगह जा नमाज वगैरह रखी हुई इधर, गर्मी बहुत है, लेकिन धूप लग रही है, नीचे ठंडा है, ऊपर हल्का सा गर्म है क्योंकि ऊपर बिल्कुल खुला हुआ है। ये बहुत बड़ी है माशाल्लाह से, वहाँ तक है कॉर्नर तक पूरा घूम कर आओ। ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पूरा ये देखें ऊपर भी रास्ता है, ये देखें ये नज़र आता है हम लोग को बाहर से, ये जो इस तरह से खड़े हुए ना मीनार, इसके तरह नज़र आता है हम लोग को बाहर। ये देखें ये देखें वो मस्जिद के ऊपर पहाड़ देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। अब वो जो एक जो मीनार है ना, जो हमें कॉर्नर से जाता है, वो वहाँ कॉर्नर पे मैं वहाँ जाके देखती हूँ, वहाँ पर क्या काफ़ी लोग वहाँ से निकल रहे हैं, मैं वहाँ जाके भी देखती हूँ, क्योंकि आए तो पूरा कॉर्नर एक दिख के जाएंगे कि क्या क्या है हर कोने में। बहुत प्यारी है, इतनी खूबसूरत लग रही है ना, बड़ी सी साफ छोटी सी चमक सी, वो देखें वो मेरी बेटी वहाँ जा रही है, वो देखो नजर आ रही, दो बच्चे जा रहे हैं, वो मेरी बेटी है, वो जो हमेशा है वहाँ, उन्होंने खुला छोड़ दिया क्योंकि डर खौफ तो कोई है नहीं, हम लोग सामने ही हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा घूम लो इन्जॉय कर लो। लोग यहाँ सब बैठ गए हैं भाई, थोड़ा थक गए थे, काफ़ी घूम कर आए, बहुत ऊँचा था, सब लाइन से बैठे में। अनम इधर सिर्फ हाथ ही नज़र आ रहा है भाई, आगे आओ। हाँ ये देखें ये हम सब लाइन से बैठ गए, इधर थोड़ा पानी पियेंगे, ये भांजी लेकर आ गई है पानी, मैं थोड़ा पानी पी, जोहा आ जाइए, देखें जोहा कहाँ भाग रही है, आ जाओ बेटा पानी, जोहा से हाय, बोले ओके जी। अब हम लोग जा रहे हैं, आ जाओ इन्हीं वहाँ चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है, पार्क और पार्क, हाँ हाँ आ जाओ पार्क, वहाँ पार्क है, पार्क में ये बच्चे बहुत खेलती रहेंगे, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं कि कहाँ पर क्या क्या पर कहाँ है चीज़ें, तो हम लोग बस जाए जा रहे हैं, जो चीज़ मिल रही है वहाँ जाकर देखते हैं, अभी पार्क में जाकर बच्चे भी थोड़ा इन्जॉय करेंगे, साथ में हम भी थोड़ा इन्जॉय कर लेंगे पार्क में, ये घूम फिर के चलिए कर रहे हैं भैया, नीचे जाएंगे उठा लीजिए। ओके वाला पार्क में आ गया, अगर इतनी गर्मी में अगर ये स्विमिंग पूल भरे होते ना तो बहुत मज़ा आना था। ये देखें कितने ये देखो अभी अभी ये मीनार चार मीनार है ना, यहाँ से दिखाओ सारी बहुत करीब से, आप कितने कहे लगे हम बहुत करीब क्लोज आ गए इधर, देखो
ये बहुत ठंड में अम्मी आके बैठ गई, अम्मी को लग रही थी गर्मी, अम्मी बैठ गई आकर। अम्मी थक गई ना, अम्मी थक गई हैं, बहनों ने सर पर दुपट्टे ले लिए। ये देखिए सब हम लोग थोड़े ठंडे में आके बैठ गए क्योंकि वहाँ देखा अभी भी धूप है। देखिए तो सब बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को पता नहीं चलता, बच्चे इंजॉय करते रहते हैं। ये वहाँ पे पार्क बना हुआ है, ये देखिए पूरा पार्क बना हुआ है पीछे। यहाँ पे भी एक स्विमिंग पूल है, ये काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है, खाली किया हुआ है, उन्होंने पता नहीं क्यों खाली किया हुआ है, हालांकि गर्मी है थोड़ा भर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने खाली किया हुआ है। ओके जी, पूरा घूम फिर के हम लोग आके बैठ गए हैं, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। मस्जिद बहुत बाकी हसीन, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सारी मस्जिदें हर अलग अगर बहुत खूबसूरत बहुत हसीन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी 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 जी। तो और यहाँ पे जो बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पे लोग नमाज पढ़ रहे थे, वजू कर रहे थे, जगह जगह पर उन्होंने पॉइंट बनाए हुए नमाज के, वजू के, और जो लोग पढ़ रहे थे बहुत बहुत खूबसूरत, आँखों को भी सुकून मिल रहा था, दिल को भी ठंडक मिल रही थी देख कर, अच्छा लगता है। और अब हम लोग बैठ गए, ये देखें ये मस्जिद के ऊपर का व्यू है, ये देखें हरियाली है, यहाँ पर हमें पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। ये और यहाँ पे जो नमाज पढ़ाते हैं ना, जो कारी साहब है, जो मौलवी साहब हैं, अभी हमने किसी से पूछा, उन्होंने कहा है कि अगर आप एक टाइम के अंदर नमाज़ पढ़ें ना, उनकी किरत सुन लें, तो आपके दिल को इतनी राहत और इतना सुकून मिलेगा ना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है। और ये देखें आप, सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोट की है ना, वो ये चीज़ मैंने नोट की है कि देखें कितना साफ़ सुथरा है। तमीज के दायरे में आ जाओ दादा, आगे पीछे मत भागो, सामने सामने चला जाओ। पूरा मार्बल है, पूरा कितना बड़ा है, इसमें ऊपर नीचे इतना सारा मार्बल इसमें लगा हुआ है, और इतना नीट एंड क्लीन रखा हुआ है ना इन्होंने, क्योंकि यहाँ के अमला यहाँ के अमले की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है, कि जितना उन्होंने साफ़ सुथरा उसको रखा हुआ है। ओके जनाब, सारा घूम फिर लिया माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आया, ऊपर भी सारा घूमा, नीचे भी घूमा, मिड में भी घूमा, सारे कोने कोने पे के सारे वो भी देख लिए, ये पूरा घूम फिर के सुकून से दो ढाई घंटे घूमा है एक जगह पर, अच्छे से देख लिया हर चीज़ कि जब आए तो भाई हर चीज़ को बारीकी से देखें, एंजॉय करें, मज़े लें, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज़ का पता होना चाहिए कि जहाँ हम घूमने गए थे वहाँ क्या क्या है। तो सब कुछ घूम फिर के माशाल्लाह से, जोहरा भी सब कुछ घूम गया, जोहरा तो ऐसे माशाल्लाह से स्विमिंग पूल के अंदर भाग रही थी, मिट्टी में खेल रही थी ना जोहरा, बताइए बताइए क्या जी, स्विमिंग पूल में पानी नहीं डाला ना उन्होंने, पानी उन्होंने अभी डाला हुआ नहीं, उन्होंने कहा बच्चे आके गंद करते हैं ना, इसलिए पानी अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। मैं गंदी करूँगी? आप गंदी करेंगी तो फिर अभी आगे जाएंगे तो पानी वाली जगह होगी, ठीक है। चले जी, ये वीडियो हमारी थी यहीं तक, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरी तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स करना ना भूला करें, और जैसे भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।